ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी सेहत के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर माय वीडियो। एंड प्लीज़ गाइस, हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा आम, जो कच्चे आम है, उनको हमने छील लिया है। छील के ऐसे छील के जो है इनको बॉयल करेंगे। इनका पल्प निकालना हो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दो, बॉयल कर लो। उसके बाद हम आमों को डाल रहे हैं कुकर में, इसको बॉयल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, इसको वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए गाइस, हमारे कैरी आम जो भी थे वो हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसकी भी पल्प निकाल लेंगे। और ये हमारा पल्प निकल के रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडर जार में, मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे ताकि अच्छे से रेसिपी इसमें डाल के सारा सब सारे पल्प में काली मिर्च के भी जो है, जब बॉईल किया था हमने आम को तो उसमें काली मिर्च पड़ी थी, तो कहीं काली मिर्च भी पड़ी रहेंगी। और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा है। इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी जो होगी वो हमारी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, आप जितना भी मीठा करना चाहते हैं। सौंफ को हम जो है इसके लिए यूज़ करेंगे ताकि, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मी में सौंफ थोड़ा ठंडक देता है। और ये 2 घंटे से भीगी हुई सौंफ है हमारी, हम इस सौंफ को डाल के इसमें थोड़ा सा पीस लेंगे, उसके बाद उसी के साथ छान लेंगे। ये हमारा छन चुका है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे जितना हमको चाहिए हो पन्ना। ये है हमारी पुदीना की पत्तियाँ, इसमें हम थोड़ा सा इसको डाल के दरदरा टाइप पीस लेंगे पानी डाल के। ये हमारा पुदीना पीस गया है, उसको हम थोड़ा सा इसको डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम सफ़ेद नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं सफ़ेद नमक, काला नमक, ये काला नमक है, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर आप ऐसे इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। इसमें भुना हुआ जीरा पड़ा हुआ है, वो दिखाना भूल गई मैं। भुना जीरा, काला नमक, सादा नमक, काली मिर्च, चीनी तो मैंने पीसी थी वो तो आप लोगों ने देखा ही है। बस सब इसको सर्व, और ये हमने सर्व किया। इसमें आइसक्रीम बनेंगे ठंडा लगे, आइस क्रीम से।